हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल बढ़ेगा गांव बढ़ेगा देश में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के बारे में, यानी कि मनरेगा के बारे में। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट आई थी कि आप हमारे जो मनरेगा के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके जॉब कार्ड की डिटेल्स के बारे में एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी उसी पे बेस्ड है। हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप अपने गाँव ने जो मनरेगा के अंडर में काम करने वाले लोग हैं उनकी जॉब कार्ड की डिटेल्स कैसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो शेयर बटन के बगल में जो बेल आइकॉन है उस पर प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंटेंट आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर या टैबलेट में जाके कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद आप उस पर गूगल ओपन करेंगे। दोस्तों, गूगल ओपन करने के बाद आप सीधे वहाँ पे लिखेंगे MNREGA। तो दोस्तों, एम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट मनरेगा, सबसे पहला जो हमें लिंक मिल रहा है दोस्तों, ये उस वेबसाइट का ऑफिशियल लिंक है। दोस्तों, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो हमारी मनरेगा की है ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मनरेगा की ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पे कुछ इनका यूज़र इंटरफेस ऐसे दिया गया है। बहुत सारी डिटेल्स आपको इस पे देखने को मिलेंगी दोस्तों, लेकिन आज हम इस वीडियो में बस इतना ही बात करेंगे कि हम जॉब कार्ड की डिटेल्स कैसे दे सकते हैं। तो दोस्तों, हमें जॉब कार्ड की डिटेल्स चेक करने के लिए सबसे पहले हमें लेफ्ट राइट साइड में जाना होगा, और राइट साइड में यहाँ पे जो देख रहे हैं आप जॉब कार्ड, जहाँ पे मैं मेरा कर्सर गया हुआ है, अभी जॉब कार्ड्स लिखा हुआ है, और जॉब कार्ड्स पे दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, जैसे ही वहाँ पे जॉब कार्ड्स वाले लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो एक दूसरा पेज ओपन होकर आता है, और इस पेज पे हम देख रहे हैं कि हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उनके यहाँ पे नाम दिए गए हैं। तो दोस्तों, आप इन जिस भी स्टेट के हैं आप उस स्टेट पे जाके क्लिक करना है। दोस्तों, आपको सपोज मैंने दोस्तों सेलेक्ट किया उत्तर प्रदेश। दोस्तों, जैसे ही मैंने उत्तर प्रदेश पे क्लिक किया तो एक दूसरा पेज ओपन होकर आता है दोस्तों, और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है स्टेट उत्तर प्रदेश और फिनेंशियल ईयर, यानी कि कौन सी फिनेंशियल ईयर का आप डिटेल देखना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने सिंपली यहाँ पे दिया 2019-20, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या है दोस्तों, आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए, तो आप दोस्तों जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हैं वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करेंगे। ब्लॉक यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों, आप जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप जिस ब्लॉक के हैं उस ब्लॉक को दोस्तों आप सेलेक्ट करेंगे। पंचायत, आप जिस पंचायत के हैं दोस्तों, यानी कि आप जिस ग्राम सभा के हैं दोस्तों, वो ग्राम सभा यानी कि वो गांव आप सेलेक्ट करेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे गांव भी सेलेक्ट कर लिया। और दोस्तों, सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इन सारी डिटेल्स को सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रोसीड, PROCEED पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों प्रोसीड बटन पे, तो जो जितने आपके गांव के अंदर जितने भी लोगों की जॉब कार्ड की डिटेल है दोस्तों, वो पेज ओपन होके आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे पूरा लिस्ट ओपन होके आया है 2018-19 में जो लोग की जॉब कार्ड की डिटेल्स है। टोटल दोस्तों मैं आपको बता दूं, 289 लोगों की यहाँ पे डिटेल्स, जॉब कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही हैं। एक से लेके यहाँ पे क्रम संख्या दिया हुआ है, और उनका जॉब कार्ड नंबर दिया गया है, जॉब कार्ड संख्या दिया गया है, और उन लोगों के नाम दिए गए हैं जिनके नाम से कार्ड बनाए गए हैं। तो दोस्तों, आपको एक मन में संशय बहुत जरूर हो रहा होगा, क्योंकि कुछ नाम यहाँ पे ग्रीन कलर के, हरे कलर के हैं, कुछ ऑरेंज कलर के हैं, कुछ लाल कलर के हैं, कुछ ग्रे कलर के हैं, कुछ तो ऐसे कलर के दिए गए हैं। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, सबसे पहले इनके इसके बारे में जानने के लिए आप सबको सबसे पहले नीचे आना होगा आपके पेज के, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है अगर ग्रीन है तो जॉब कार्ड विथ फोटोग्राफ एंड एम्प्लॉयमेंट आईडी अवेल्ड। तो यहाँ कि अगर ग्रीन जिसके नाम के आगे ग्रीन जिसका नाम है उसका जॉब कार्ड जो है फोटोग्राफ के साथ है और एम्प्लॉय अवेलेबल है, मतलब वो काम कर रहा है। अगर जिसका ग्रे है दोस्तों, उसका यहाँ पे लिखा है जॉब कार्ड विथ फोटोग्राफ एंड नो एम्प्लॉयमेंट आईडी,
यानी कि जिसका नाम ग्रे से है, ग्रे कलर का है, उसका ना जॉब कार्ड विद फोटोग्राफ, जॉब कार्ड फोटोग्राफ के साथ है लेकिन उसकी एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल नहीं है दोस्तों। उसी तरह दोस्तों तीसरा है जिसकी जॉब, जिसका नाम सनफ्लावर के कलर का है, उसका जॉब कार्ड विदाउट पास फोटोग्राफ एंड एम्प्लॉयमेंट अवेल, मतलब कह रहा है कि जॉब कार्ड जो का है उनका विदाउट फोटोग्राफ का है और उनकी एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है, यानी कि वो कर रहे हैं। और दोस्तों जिसका रेड कलर का है, लाल कलर का है, उसका जॉब कार्ड विदाउट फोटोग्राफ एंड नो एम्प्लॉयमेंट अवेल, मतलब कि जिसका रेड कलर का नाम है उसका जॉब कार्ड विदाउट फोटोग्राफ का है और उसकी कोई एम्प्लॉयमेंट यानी कि काम उसका अवेलेबल नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे अगर हमें सपोज या चेक करना होगा किसी का यहाँ पे, तो कैसे चेक करेंगे दोस्तों? जैसे ही आप यहाँ पे किसी का नाम अगर आपको चेक करना है तो कुछ करना नहीं है दोस्तों, जो भी उनका जॉब कार्ड संख्या दिया गया है, जॉब कार्ड नंबर दिया गया है, उन नंबर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस जो कैंडिडेट है, जो जॉब कार्ड होल्डर है, उसकी पूरी डिटेल खुल जाएगी। सपोज दोस्तों मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे एक नाम है तिलेश्वर, तिलेश्वर नाम है दोस्तों, इनका जो है ग्रीन कलर का नाम है, यानी कि वो जॉब कार्ड विथ फोटोग्राफ है और जॉब कर भी रहे हैं, जॉब अवेलेबल भी है, एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल भी है। दोस्तों यहाँ पे इनके जॉब कार्ड संख्या पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो इनकी पर्सनल डिटेल्स पूरी खुल के आएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे जॉब कार्ड नंबर दिया गया है, इनका नाम दिया गया है, फादर नेम दिया गया है, पूरा डिटेल, और इनकी यहाँ पे फोटो भी दी गई है दोस्तों, और ये कहाँ इनका अकाउंट कहाँ का है वो भी दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया है रिक्वेस्टेड पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और उनकी एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे दिया गया है, और नंबर ऑफ डेज, कितने दिन वो काम किए हैं वो डिटेल यहाँ पे दी गई है, और यहाँ पे पीरियड एंड वर्क ऑन विच एम्प्लॉयमेंट ऑफर्ड, यानी कि वो ड्यूरेशन जब इनको एम्प्लॉयमेंट काम ऑफर किया गया, तो यहाँ पे जो भी उन्होंने काम किया है दोस्तों, कितने दिन काम किया है और वर्क ने और कहाँ कहाँ काम किया है वो दिया गया है। यहाँ पे देखिए कब्रिस्तान में मिट्टी वाला ये कार, लक्ष्मणपुर में पोखरे, जीर्णो द्वार एवं सुंदरीकरण का कार, शिवनी पासवान के खेत से मुन्ना नट मिट्टी का कार, तो इस तरह की इसे पूरी उस कैंडिडेट की डिटेल्स दोस्तों दी गई हैं। और उन तीसरा यहाँ पे दिया गया पीरियड एंड वर्क ऑन विच एम्प्लॉयमेंट गिवेन, जिसपे काम उनको दिया गया है, तो ये भी डिटेल्स उनको दिया गया है, नंबर ऑफ डेज है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितने का काम उन्होंने किया है वो डिटेल्स यहाँ पे दी गई है दोस्तों, यहाँ पे टोटल करके फिर यहाँ पे, यानी कि आप इस तरह से आप उस कैंडिडेट की पर्टिकुलर डिटेल, बेसिक डिटेल्स जान सकते हैं दोस्तों, जो भी वो कार्ड होल्डर है। तो दोस्तों इसी तरह आप सभी कार्ड की डिटेल्स उनके जॉब कार्ड संख्या पे क्लिक करने के बाद क्लिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे दोस्तों क्लिक किया, अक्षय लाल एक यूज़र हैं, तो यहाँ पे क्लिक किया तो हम देखते हैं कि इनके भी पूरी डिटेल्स खुल के आएगी, फोटोग्राफ्स आएगा और उनकी वो कितना काम किए हैं वो, उनकी वो डिटेल्स पूरी यहाँ पे खुल के आ रही है दोस्तों। आप बारी बारी से ऐसा सबका आप लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप क्लिक करके और अपने भी गाँव की डिटेल्स, जॉब कार्ड की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।